जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। फिर दूसरी बार बोला, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। ये मन की यही गति है कि हम अपने जीवन का कमाया हुआ धन जहाँ लगाएंगे, दुनियावी कारखाने में लगाएंगे, लंदन में बहुत बड़ा कारखाना खोल दिया, जिंदगी की सारी कमाई हुई संपत्ति उस कारखाने में लगा दी, भले इंडिया में रहने वाले हो तो भी बुद्धि कहाँ जाएगी, है वही लंदन में जाएगी। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। ऐसे ही तन, ये तन की शक्ति सारे जीवन की शक्ति पुरुष लोग कहाँ लगा देते हैं, हा? अरे तन की सारी शक्ति पुरुष लोग बहुधा कहाँ लगा देते हैं, हा? स्त्री चोले में लगा देते हैं, सारी शक्ति वहां स्वाहा कर देते हैं, ले तू ही ले ले। तो अंत समय जब आता है तो मन किसको याद करता है, है? अंत मते सो गति हो जाती है। गड्ढे वाली का जन्म मिल जाता है तो कौन सी बात सच्ची है? पहले मन अर्पण होता है कि पहले धन और तन अर्पण करना पड़ता है? पहले धन और तन अर्पण करना पड़ता है, फिर मन पीछे पीछे अपने आप ही जाएगा। और बाबा जो किसी को फंसाने का काम करते हैं, छोटी छोटी गलतियों को पकड़ करके उनको फंसाए देते हैं और झूठ बोलते रहते हैं, उनकी क्या शूटिंग होगी? अरे जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। यहाँ एक जन्म जैसा करेंगे वैसा वहां 84 जन्म भरेंगे। 21 जन्म की तो बात नहीं है, बाकी 63 जन्म में तो जरूर भरना पड़ेगा। वहां उनको कोई फंसाता रहेगा छोटी मोटी बातों में, छोटी गलती को बड़ी गलती साबित कर देंगे झूठ बोल बोल के। आजकल के वकील क्या कर रहे हैं, है? वकील लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के सच्चे मुकदमे को झूठा साबित कर देते हैं या नहीं करते हैं? कितने झूठे मुकदमे पड़े हुए हैं अदालतों में, और कितने लोग जेलों में पड़े सड़ रहे हैं जिनकी बिचारों की कोई गलती नहीं होती है, उनकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ करके उनको फंसा के और जेल में डलवा देते हैं जिंदगी भर के लिए। डलवाते हैं या नहीं डलवाते हैं? डलवाते हैं। तो हिसाब किताब कहां बनाया, है? संगमयुग में ये हिसाब किताब बनाया। इसलिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए। बाबा मुरली में कहा है कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन होते हैं, लेकिन दुनिया वालों के यहां जब पुत्र जन्म होता है
तब तो बड़ी खुशी मनाते हैं। यदि कन्या का जन्म होता है तो मुंह लटका लेते हैं। तो बताओ इस बात की शूटिंग कहां हुई होगी, कैसे? जो रुद्रमाला के मण के बनते हैं जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही रुद्रमाला के मण के बन गए। वो पुरुष है या स्त्री है, जन्म जन्मांतर के उनके स्वभाव संस्कार पुरुष के हैं, इसलिए शिव बाबा को खुशी होती है या गम पैदा हो जाता है? शिव बाबा को तो बहुत खुशी होती है, है? मेरा 12,000 बच्चा निकलेगा, मैं राजयोग सिखाने आया हूं, राजा बाबू बनेगा, और बेसिक में कौन पैदा हो रही है, है? राजा बच्चे पैदा हो रहे हैं, रुद्रमाला के रुद्रवत्स पैदा हो रहे हैं या अम्मा की छोकरियां पैदा हो रही है? वो छोकरियां बाप को पहचान रही है? वो छोकरियां पराए घरों में पड़ी हुई है या बाप के घर में पालना ले रही है? पराए घर में पड़ी हुई है तो बाप का मुंह नहीं लटक जाएगा। सिंधी का अम्मा ऐसे आश्रम बाबा है, सिंधी का अम्मा आश्रम है, यहाँ से तो पहले जाती है, जाती है तो छुट्टी भी जाती है, बाप नहीं करती बाबा। इस जन्म में दुर्योधन के शासन का कर्तव्य करते हैं पुरुष लोग, इस जन्म में करते हैं और जन्मों में नहीं करते। जब स्त्री टोला पा जाते हैं तो उनके संस्कार कैसे बदल जाते? जो अंतिम समय आया तो अंत मते सो गते हो गई, वो ही स्वभाव संस्कार मिलेंगे जो गति हुई है। क्या पूछा है? कुछ बोला नहीं। कृष्ण को बाबा बन्नी कहते हैं, कृष्ण को बेबी भी कहते हैं, दादा लेखराज ही कृष्ण बनते हैं, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं, फिर पूछा क्या है वो तो बताया ही नहीं। ड्यूटी सेवा तो गधा भी करता है, तो गधे जैसी सेवा करनी है, हैं? कैसी सेवा करनी है? ऐसी सेवा करनी है जो ऊंच से ऊंच भगवान बाप के द्वारा सेवा हमको दी गई हो। कैसी सेवा करनी है जो ऊंच से ऊंच भगवान बाप के द्वारा हमें सेवा दी गई हो, भले झाड़ू लगाने की दी गई हो, लैट्रिन साफ करने की दी गई हो, हम अंदर में समझेंगे हमें तो बहुत खराब काम दे दिया, लेकिन असलियत कौन जानता है? बाबा जानता है कि हमारा जल्दी उद्धार किस काम से होगा। तो बाप की दी हुई ड्यूटी निभानी है या मनमानी सेवा करनी है? ड्यूटी निभानी चाहिए, इसलिए ड्यूटी इज ब्यूटी कहा जाता है।
बाकी गधे की ड्यूटी, जैसे आज के लोग कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है, कर्म करते रहो। लेकिन कौन सा कर्म करते रहे? अरे धोबी के अंदर में गधा काम करता है वो कर्म करते रहे, या बड़े से बड़ा धोबी है भगवान, उसने जो कर्म निर्धारित किया है वो करें? बड़े बड़े ऑफिसर क्या समझते हैं, कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे, टाइम से जाएंगे और टाइम से उठेंगे और बड़े अच्छे तरीके से सेवा करेंगे, समझते हैं हम कर्मयोगी हैं। अरे तुम कर्म तो कर रहे हो, भले जज की पोस्ट पे बैठे हुए हो, लेकिन किसके अंडर में कर रहे हो? भ्रष्टाचारियों के अंडर में या शिष्टाचारियों के अंडर में? भ्रष्टाचारियों के अंडर में कर रहे हो, तुम तो गधे से भी बदतर हो। गधा तो फिर भी अच्छा है, जान के नहीं करता। अरे वो ही प्रश्न बार बार क्यों पूछते? बाबा जो पुराने सरेंडर वर्ग हैं वो नए सरेंडर वर्ग की कमियां गलतियां ढूंढते हैं और ऊपर हेड ऑफिस में भेज देते हैं, और नयों नयों को बाबा की नजर से गिरा देते हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए बाबा की नजरों के सामने चढ़ जाते हैं, उनका अंत में क्या हाल होगा? अभी तो जवाब दिया था, जैसा करेंगे वैसा ही पावेंगे, और एक जन्म नहीं पावेंगे। संस्कार आत्मा में कहां भरे हैं? यहां भरे हैं। जैसे संस्कार भरेंगे वैसा वहां जन्म जन्मांतर पाते रहेंगे। फिर वो ही प्रश्न आ गया, जो बद्दुआ देते हैं, साप देते हैं, दूसरों के प्रति बुरे संकल्प चलाते हैं, जो अच्छा काम करता है उसे भी बुरा बनाने का काम कर देते हैं, तो उनका क्या होगा? अरे वो एक ही जवाब, कोर्स में कौन सा फोर्स भरना है, याद का फोर्स या वाचा का फोर्स भरना है? ताकि सुनने वालों को इंटरेस्ट जाग जाए, कौन सा फोर्स भरने की बात है? अरे कोर्स कराना माना ही बाबा की याद का फोर्स भर जाए। बाबा की याद का फोर्स सिर्फ वाचा से नहीं भरता है, सुनाने वाले के वाइब्रेशन से भी भरता है या नहीं भरता है? सुनाने वाले के वाइब्रेशन जितने पवित्र होंगे उतना सुनने वाली आत्माओं में फोर्स भरेगा। याद का फोर्स भरना है तो बाप का पूरा परिचय देने की कोशिश करनी चाहिए। पूरा परिचय बुद्धि में बैठेगा तो गहरी याद आवेगी या ऊपरी ऊपरी याद आवेगी? गहरी याद आवेगी। कोई भी ना रखते हो, फल भी ना रखते हो, तो फिर पेड़ को फिर कैसे बनाना है? फिर पेड़ कैसे बन सकता है? जैसे अशोक का पेड़ है,
पेड़ कैसे बनता है? उसकी टहनी लगाते हैं। वो टहनी से ही स्टार्ट हो जाता है, उसका फल और बीज नहीं होता, वो टहनी से। वो टहनी में टहनी कलम लगाते हैं, नया वृक्ष तैयार हो जाता है। हाँ, उसमें दूसरी टहनी लगाते हैं, वो नया तैयार हो जाता है। ये विदेशी वृक्ष है या स्वदेशी वृक्ष है? रावण के परिवार में पैदा होता है या भारत के परिवार में पैदा होता है? कैसा वृक्ष है ये? रावण के परिवार की कलम है। उनका बीज कहाँ होगा? बीज भारत में पैदा होते हैं या विदेश में होते हैं? हाँ, तो विदेश में चले जाओ। भारतवासी विदेश में क्यों भाग रहे हैं? वहां शोक और दुख महसूस होता है तब भाग रहे हैं या नहीं महसूस होता है तब भाग रहे हैं? नहीं महसूस होता है। और हाँ, जो विदेशी होते हैं उनकी बात अलग है और जो स्वदेशी होते हैं उनकी बात अलग है। विदेशी फूलों में ज्यादा सुगंध होती है या स्वदेशी फूलों में सुगंध होती है? विदेशी गुलाब भी होते हैं और स्वदेशी गुलाब भी होते हैं। अच्छी और बढ़िया सुगंध कौन से गुलाब में होती है? स्वदेशी में होती है। आज जितनी भी सब्जियां आ रही हैं, कलम लगा लगा के नई नई सब्जियां तैयार कर रहे हैं हाइब्रिड, उनसे मनुष्यों के खून में कीड़े पैदा हो रहे हैं यह शुद्ध खून बन रहा है? कीड़े पैदा हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। थोड़े से लोग हैं जो भारत की नेचुरोपैथी को मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करो। ये यूरिया की खेती है, इसमें यूरिन डाला जाता है। ये विदेशी पैदाइश पेशाब की पैदाइश है, पेशाब को यूरिन कहा जाता है। कौन से युग से पैदा होती है? द्वापर से। ये यूरिन की पैदाइश पेशाब की पैदाइश बंद करो। क्या करना है? आत्म की स्थिति से, ज्ञानेंद्रियों की स्थिति से जो नई सृष्टि बनेगी उसमें सुखी ही सुख होगा, बीमारियां ही नहीं होंगी, कीड़े मकोड़े ही नहीं होंगे, दुखदाई सृष्टि ही खलास हो जाएगी। बाबा, मरजीवा जन्म का अर्थ बेहद में क्या होता है? जीवा माने जीवित भी रहे और मर भी जाए, मर जाए मगर बोलता रहे। कैसे मर जाए? देहभान से मर जाए, पुराने स्वभाव संस्कार से मर जाए जो दुखदाई है। बाबा, इस जन्म में तो हम यही चाहते हैं कि हमसे कोई को दुख न हो। जब इस जन्म में ही चाहते हैं तो पिछले जन्मों में हमारी यही आत्मा यही संस्कार रहे होंगे। वाह भाई,
अरे ब्राह्मण बनने के बाद संस्कार सुधरते हैं या पिछले जन्मों में शूद्र थे तो शूद्रों के संग में रहने से संस्कार सुधरते हैं है? ब्राह्मण बनने के बाद संस्कार सुधरते हैं। हाँ बुढ़िया हाँ दांत ना हो मुंह में गालों में झुर्रियां पड़ गई हो कमर झुक गई हो हाँ बुढ़िया बेहद की चाहिए या हद की चाहिए हाँ बेहद की बुढ़ियों की बात है वो आठ पटरानियां 5000 वर्ष पुरानी है या कम जन्म लेने वाली है वो सबसे ज्यादा पुरानी है उनके बाल सफेद हो गए बाबा कहते हैं काली कलूटी बैंगन लूटी हो तो अच्छा यह सुंदर सुंदर चकाचक हो वो अच्छा तो ऐसी आठ बुढ़िया निकलती है बाबा के ज्ञान में वो पहले पहले निकलती होंगी या बाद में बुढ़ी होकर के अनुभवी होकर के निकलती होंगी बाद में निकलती हैं कोई ऐसे होते हैं कि बाबा की बात को कहने से ही मान लेते हैं कोई ऐसे होते हैं प्रयोगात्मक जीवन वाले होते हैं हर बात पर बाबा की बात पर विश्वास नहीं होता करके देखते हैं देखे अच्छा होगा कि बुरा होगा माना विदेशियों से ज्यादा प्रभावित होकर रहते हैं तो आठ पट्ट रानियां जो अंत में जाकर के पट्ट में गिरती हैं वो विदेशियों से प्रभावित हो जाती हैं या नहीं हो जाती हैं विदेशियों से प्रभावित हो जाती हैं इसलिए जब नीचे गिर जाती हैं तब उनकी आंख खुलती है अरे हमने ये क्या किया तो ऐसी बुढ़िया चाहिए हद की बात नहीं है बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं जो अभी हम ब्राह्मणों के बीच में हो रहा है वो आप कहते हैं ड्रामा में नूद है और 5000 साल बाद भी यही होगा तो किए गए पुरुषार्थ का क्या होगा जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो कहां जाएगा अरे हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो इसी जन्म का हमें मालूम है या पूर्व जन्मों का भी मालूम है है? मालूम है इसी जन्म का तो पता है पूर्व जन्म का क्या क्या हिसाब किताब है वो तो हमको पता ही नहीं है और रील पूर्व जन्मों के हिसाब से घूमती है या वर्तमान जन्म के हिसाब से घूमती है पूर्व जन्म के हिसाब से घूमती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ड्रामा में सब कुछ नूद है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें ये उल्टी खोपड़ी वाले ये नहीं सोचते हैं हम किचन में जाके थाली लेके खाना क्यों खाएं जाके फटाफट जाके बैठ जाएंगे ये बात बुद्धि में नहीं आती
खाने के लिए नहीं सोचेंगे, काय के लिए सोचेंगे, पुरुषार्थ करने के लिए सोचेंगे। अरे बाबा किसी को निमित्त बनाते हैं, परंतु ईर्ष्या देश के कारण उनके प्रति ढेर सारे उलट पुलट संग कर पाते हैं सबके, और बाद में उनको कुर्सी से हटा दिया जाता है। किसी को डर लग रहा है क्या? तो इसका बाद में ड्रामा में क्या नतीजा निकलेगा? क्या ड्रामा में द्वापर कलयुग में कुर्सियां नहीं मिलती है? मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? और यहां के संस्कारों के अनुसार अगर वहां भी ऐसा ही किया तो वहां कुर्सी से नीचे नहीं हटना पड़ेगा है? यहां एक बार हटेंगे और वहां बार बार हटना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम पर बड़ी जिम्मेवारी, अलर्ट होकर के काम करना चाहिए। बाबा नेपाल के राजाओं की ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसके कारण ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने नेपाल में राज्य किया? उनकी पीढ़ी में लगातार राजाई 400-500 वर्षों तक चलती रही। नेपाल का अर्थ क्या होता है? नई दुनिया की पालना करने वाले, नई दुनिया की पालना करने वाले और धर्म वाले होंगे या असली सूर्य की औलाद सूर्यवंशी होंगे? हैं? सूर्यवंशी होंगे। तो सूर्यवंशी जो बच्चे हैं वो सूर्य के आर्डर पर चलने वाले होंगे या औरों के आर्डर पर चलने वाले होंगे? तो उसकी यादगार ये दिखाई गई है भक्ति मार्ग में कि वो जो स्थूल नेपाल है वहां भी जो राजाएं हुए हैं उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां राजाई पर बैठती रहे। ये नेपाल अर्थात नई दुनिया के पालना करने वालों की निशानी है जिन्होंने नई दुनिया का फाउंडेशन डाला है। मकान का फाउंडेशन डालने में ज्यादा मेहनत होती है या ऊपर की मंजिल बनाने में ज्यादा मेहनत होती है? फाउंडेशन गहरा डाला जाता है। शिव बाबा गुप्त होने के बाद पहले ही संकल्प करना शुरू कर दिया, बड़ी मम्मी मुरली चलाएगी। पहले ही पक्का कर लिया कि हमें किसके अंडर में रहना है। सोचते ही नहीं कि सूर्यवंशी सूर्यवंशियों के अंडर में रहेंगे या चंद्रवंशी इस्लामवंशी बौद्धवंशियों के अंडर में रहेंगे। क्या आदि में यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी कोई के अंडर में रहे थे? नहीं रहे। और अंत में भी जब एडवांस पार्टी शुरू हुई तो क्या बेसिक वालों के अंडर में रहे? नहीं रहे। तो मम्मा मुरली चलाएगी
तो क्या बोल कर मुरली सुनाएगी, पढ़ कर के मुरली सुनाएगी या डायरेक्ट ओरली मुरली सुनाएगी? जो बीज में गुण होते हैं वो जड़ों में नहीं जाते हैं, हैं? जाते हैं। जड़े हैं आधार मूर्त बीके वाले, वो अभी पढ़ करके सुनाते हैं, ओरली सुनाते हैं या बाबा की डायरेक्ट मुरली सुनाते हैं? हैं? पढ़ करके सुनाते हैं, बल मुरली में बोला गया है क्या है? मुरली पढ़ना और मुरली पड़ी हुई मुरली कानों से सुनना, यह है थर्ड क्लास मुरली। और टैप रिकॉर्डर में सुनना सेकंड क्लास मुरली है। और डायरेक्ट बाप के मुख से सुनना फर्स्ट क्लास मुरली है। तो पूछने वाला भूल गया कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का, है कि हम तो अंत तक बाबा से सुनते रहेंगे। जो 2000 के आसपास अव्यक्तवाणी में इशारा भी दे दिया कि लोग कहते हैं बाप गुप्त हो गया, लेकिन बाप बच्चों के सामने अभी भी हाजिर नाजिर है। बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकते और बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते। बाबा गीत गाते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो बाबा भगवान द्वार पर क्यों खड़ा है? अरे अन्नपूर्णा के द्वार पर भक्ति मार्ग में दिखाया है कि शंकर जाता है भीख मांगने, तो क्यों गया? काहे की भीख मांगने गया? भीख मांगने गया सच्चे प्यार की, प्योरिटी की भीख मांगने गया, जो आज दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो बाबा झोली काहे से भरनी है, झूठ से भरनी है या सच्चाई से भरनी है? तन और धन और मन झूठा भी होता है या हमेशा सच्चा भी होता है? तन झूठा भी हो जाता है, उसे व्यभिचारिणी औरत कहा जाता है। धन भी झूठा हो जाता है, झूठी बातें बोल बोल करके धन कमाया जाता है, उसे ब्लैक का धन कहा जाता है। ब्लैक का धन कमाया और इनकम टैक्स ना पकड़ ले इसलिए यज्ञ में दे दिया, तो अच्छा असर कारक होगा या बुरा ही रिजल्ट आएगा? अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला। जैसा देंगे वैसा ही जन्म जन्मांतर लेंगे। बाबा रावण सीता को लंका में क्यों ले गया? अरे माया को बाबा ने क्या काम दिया है? कुछ काम दिया है कि नहीं?
है, काम दिया है कि जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ, खूब रुलाओ। तो सीता ने भी श्रीमत की लीका काट दी होगी, उल्लंघन किया होगा, इसलिए रावण लंका में लग गया। बाबा हनुमान अजगर के पेट में क्यों चले गए? कहां कहां की टीवी देख देख के कहां कहां की बातें निकाल लेते हैं। अरे बड़े में बड़ा सांप कौन है दुनिया में है? कौन है? शेषनाग। शेष भगवान का पार्ट किसका है? अरे हाँ लक्ष्मण का तो है, लेकिन लक्ष्मण का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का पार्ट है, वो ही राम का बल है, बलराम है, वो ही हनुमान है। तो दुनिया का बड़े से बड़ा सांप कौन है? सांप भिखारी को कहा जाता है या निर्विकारी को कहा जाता है? कौन है बड़े से बड़ा भिखारी? विधर्मियों में होते हैं या स्वधर्मियों में होते हैं? हैं? विधर्मियों में, इस्लाम धर्म। यहाँ ज्ञान का नशा चढ़ता है फिर सोडा वाटर हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? पानी में सोडा डालते हैं, बोतल को खुला हुआ छोड़ दें तो उड़ जाएगा या ऐसा ही बना रहेगा? उड़ जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञान है, ज्ञान को बुद्ध रूपी बोतल में बंद करके नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडा वाटर हो जाएगा। बाबा सेवा तो सब करते हैं, परंतु कौन सी सेवा का मेवा मिलता है, फल मिलता है? जो सेवा बोल बोल के करते हैं उसका, या जो शांत होकर करते हैं उसका? है? मीठा फल किसका मिलेगा? दूसरों को खुशी देंगे ऐसी सेवा करें, अल्पकाल की खुशी या सदाकाल की खुशी? सदाकाल की खुशी देंगे तो क्या रिजल्ट आवेगा? सेवा का मेवा खुशी मिलेगी। खुशी मिलने से बाप की याद ज्यादा आवेगी कम आवेगी? ज्यादा याद आवेगी, और बाप भी हमको बहुत याद करेगा। ये बाल जो है विकारों की निशानी है, क्या नहीं सत्युग में गंजे नहीं होंगे, सत्युग में जो भी बाल होंगे वो सन्यासियों की जटाओं के मुआफिक उलझे हुए होंगे या सुलझे हुए होंगे? शैंपू लगाना पड़ेगा कि नहीं है? नहीं लगाना पड़ेगा। Thank you.
राम बनते बाप अट्ठे हाँ बलराम बनते हैं। बलराम का जो पार्ट है वही लक्ष्मण का पार्ट है। बलराम को भी सात फन दिखाए जाते हैं। जब ब्रह्मा बाबा यज्ञ चला रहे थे तो उनका रक्षण किन आत्माओं ने किया? दूसरे धर्म की आत्माओं ने किया या सूर्यवंशियों ने किया? दूसरे धर्म की आत्माओं ने किया। वो ही सांप दिखाए गए हैं। हाँ। राम देव के बारे में कहा गया है? योग पुरुष। आपने कहा क्या? नहीं, किसने कहा? समझाने में आया है। और बाबा की समझाने में भक्ति मार्ग कौन चलाता है? रावण। कौन चलाता है? रावण भक्ति मार्ग चलाता है। तो रावण की बात सुननी है, कान पे धरनी है और भरी सभा में बोलनी है या नहीं बोलना चाहिए? हम ये पूछ रहे हैं कि रावण ने जो बात सुनाई वो बात हमको मुख से निकालनी है, दूसरों को सुनानी है, भरी सभा में बोलनी है, उससे फायदा होगा, या उस अनर्गल बेकार की बात को गड्ढे में दबा के रखना है वो अच्छा है? हियर नो इविल, टाक नो इविल, उल्टी पलटी बातें ना सुनो। रावण माया उल्टा पलटा रूप धारण करके उल्टी पलटी बातें सुनाती है। अरे बाबा ने तो बता दिया जिनका इस दुनिया में बहुत मान है वो बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी है या शिष्टाचारी? तो आपने कैसे मान लिया कि रामदेव जो हैं दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, देव पुरुष हैं? अरे योगी ही देव पुरुष बनते हैं। पिटाई हो रही? क्यों, तुम्हारे बाबा की पिटाई नहीं हुई? तुम्हारे बाबा को पीट पीट के नाली में घसीट घसीट के नहीं मारा? फिर ये क्या बात हुई कि जिसकी पिटाई हो वो नीचे है, जिसकी जेल हो जाए वो नीचे है? अरे गांधी जी की पिटाई नहीं हुई क्या? उनको जेल में नहीं डाला गया तो नीचे हो गए? अरे कहते तो हो, मिसाल तो दे रहे हो लेकिन उनकी पिटाई हो रही है। बाबा ने बोला है सहन करना है, लेकिन जो सच बात को सामने कह देते हैं, सच कहने वालों को दुख तकलीफ देते हैं, तो उनका क्या होगा? अरे जैसा करेंगे वैसा ही पावेंगे। बाबा कोई कोई सरेंडर बहनों को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार आ जाता है, वो अपने से बड़ा किसी को समझती ही नहीं, औरों को नीचा समझते हैं, यहां तक कि इंचार्ज का भी डिसरिगार्ड करते हैं। जिस इंचार्ज को बाबा ने निमित्त बनाया उसका भी मान नहीं रखते हैं, तो ऐसों का क्या होगा? अरे इंचार्ज जो है, सरेंडर होने वाली आत्माओं की संख्या कितनी है?
नहीं, हाँ 16,000 मान लो होगी, अभी नहीं है। तो 16,000 में जो अनुभवी अनुभवी होंगे, पुराने पुराने होंगे, उनको इंचार्ज बनाया जाएगा या 16,000 को पहले इंचार्ज बना दिया जाएगा? है तो जो पुराने पुराने उन्हें याद रखना चाहिए कि आगे चल के दुनिया में आवाज निकलेगी तो ढेर सेंटर हो जावेंगे। मुरली में क्या बोला? तुम्हारे सेंटर लाखों की तादाद में खुल जावेंगे। तो इंचार्ज की कमी पड़ जावेगी या ज्यादा हो जावेंगे? कमी पड़ जावेगी। तो जैसा तुम उनके साथ करते हो वैसा है, वैसा 100 गुना तुमको दूसरों से प्राप्ति होगी। अगर बाबा के द्वारा बनाए हुए इंचार्ज बहनों का डिसरिगार्ड करते हैं तो आगे चल के हमको भी इंचार्ज बनना पड़े, और इंचार्ज हम बनेंगे तो हमारे ऊपर जो 100 गुना बोझा चढ़ा है इंचार्ज को डिसरिगार्ड करने का, वो 100 गुना बोझा हमने एक बार गलती की, एक बार डिसरिगार्ड किया, और वहां हमको 100-100 बार डिसरिगार्ड करेंगे। तो दूर की सोच के चलना चाहिए। और बाबा कहते हैं जिससे ज्यादा प्यार होता है उससे लड़ाई भी करते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने ऐसे बोला कि ये निश्चित है जिससे ज्यादा प्यार करेंगे उससे लड़ाई होगी होगी, है? कोई जरूरी नहीं, ये तो अपने फायदे के लिए बात बना ली। क्या लक्ष्मी की कोई जन्म में लड़ाई होगी नारायण वाली आत्मा से? होगी नहीं होगी? तो बाबा लड़ाई करते हैं और बाबा से हमें प्यार करने के लिए बाबा से लड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि जिससे प्यार करेंगे उससे लड़ाई भी होगी। तो क्या ये अच्छी बात है खराब बात है? है तो बहुत खराब बात हो गई, ये तो कलयुगी रीत भीत है। कलयुगी प्यार जिससे होता है उससे लड़ाई भी होती है। जो श्रेष्ठ और सच्चा प्यार होता है वो तो हमेशा के लिए सच्चा होता है। लंबा लंबा प्रश्न मत लिख के दिया करो। बच्चे कैसे जानेंगे कि बाप ने पाप में पाप बढ़ाने का रहम किया है? और कौन सा सच्चा रहम है? कौन सा झूठा रहम है? भगवान बाप झूठा रहम भी करते हैं? है? सच्चाई करेंगे या झूठा करेंगे? तो बाप ने नियम बताया है अति का अंत होगा, तो विकारों की अति बाप करेगा या बच्चे करेंगे? जो शक्तिशाली है वो अति कर सकता है, बच्चों में तो उतनी शक्ति ही नहीं है जो अति करके अंत कर सके। इसलिए बाप रहम करता है, सच्चा रहम करता है या झूठा रहम करता है? बच्चे पाप में पाप बढ़ाए रहे हैं, 70 साल हो गए पाप बढ़ाते जा रहे हैं या 100 गुना बोझ बढ़ाते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं?
बढ़ा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। अभी तक रिजल्ट क्या आया है? बढ़ाने का रिजल्ट आया है या कम करने का रिजल्ट आया है? बढ़ाने का रिजल्ट आया है। तो बच्चे अति में जा रहे हैं क्या? पाप करने की अति में जा रहे हैं जो अंत हो जाए है? नहीं जा रहे हैं। अति तो तब ही होगी जब बाप अति करके अंत कर देगा। इसलिए मुरली में बोला है शंकर को फॉलो नहीं करना है। क्या किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। ओम शांति।